हेलो प्यारे साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर वेलकम बैक तो प्यारे साथियों आज आपके लिए शानदार सेशन लेकर के आया हूं बीस टी दो हज़ार चौबीस के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले सेप स्कोर को लेकर के कितने नंबर आपको 2024 के अंदर लेकर आने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके आपका सलेक्शन सिक्योर हो सके और आपका सलेक्शन कोई भी नहीं रोक सके तो इतने नंबर आप तो आपको लाने ही होंगे उन नंबर को हम क्या बोलेंगे सेफ स्कोर बोलेंगे और आपको मैं एक टारगेट भी देने वाला हूँ टारगेट और सेफ स्कोर दोनों अलग अलग होने वाले हैं ठीक है और साथ ही आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ बी टी सी परीक्षा का मेरी मार्कशीट भी आपको दिखाने वाला हूँ मेरी मार्कशीट में मेरे सभी सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ ठीक है टोटल कितने नंबर आए हैं ये सारी चीज़ें भी आपको इस सेशन के अंदर पता चलने वाली है तो ये सेशन होने वाला है शानदार धमाकेदार है ना तो करें सेशन की शुरुआत बढ़ते हैं आगे तो प्यारे साथियों यदि आप उदयपुर क्लासेज पर पहली बार आए हो ये प्यारा सा चैनल आपको पहली बार मिला है या आपको हमेशा मिलता है लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो आप राकेश सर के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो ठीक है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वहाँ पर क्लासों की नोटिफिकेशन पीडियोज मिलती रहेगी ठीक है अब शुरू करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को बात करते हैं बीस दो के टारगेट को लेकर के और सेव स्कोर को लेकर के प्यारे साथियों सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए 450 सर 450 नंबर आ सकते हैं क्या इतने कम टाइम के अंदर जब हमारे पास ढाई से तीन महीने पड़े हैं बिल्कुल आ सकते हैं डेफिनेटली 450 नंबर आ सकते हैं मेरा तो उम्मीद थी मेरी तो मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं आपको चार सौ अस्सी का टारगेट दूं, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है तो आप चार अस्सी तक तो नहीं पहुंच पाओगे लेकिन चार सौ पचास एन एफ है तो ये आपको टारगेट रखना है है ना टारगेट का मतलब दिमाग में होना चाहिए मेरे नंबर आने चाहिए चार सौ पचास किसी भी हालत के अंदर इसके लिए मैं जीत जान लगा लूंगा ठीक है ओके okay, ये बात होगी आपको अपना टारगेट रखना 450 तो सर सेफ स्कोर क्या है सेफ स्कोर अलग चीज़ होती है टारगेट अलग होता है आप टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे ना जी जान लगा लोगे ना आप सेफ स्कोर तक पहुंच जाओगे ठीक है अब बताता हूं कि आपको साढ़े चार सौ लाने के लिए किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे ठीक है ये बताता हूं मैं आपको यदि आपको साढ़े चार सौ लाने हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए आपकी मार्कशीट इस प्रकार होनी चाहिए देख सकते हो आप सभी ठीक है बिल्कुल मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आपको लेकर आने वो लिख लिया है मैंने देखो रीजनिंग की बात करें मानसिक योग्यता के अंदर बात करें आपको पैंतीस क्वेश्चन सही करने हैं पचास में से इससे ज्यादा ही करोगे ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पैंतीस लिखा है क्योंकि टाइम इश्यू रहता है बहुत बार बच्चे गलतियाँ कर देते जल्दबाजी के अंदर तो पैंतीस नंबर तो आपको रीजनिंग के अंदर लेकर आने ही है ठीक है थोड़ा सा पिछली बार टफ आया था पेपर भी रीजनिंग रीजनिंग का इस वजह से पैंतीस गुना तीन करो एक सौ पाँच नंबर आपकी रीजनिंग में आने चाहिए राजस्थान जी के पिछले साल ईजी आया था उससे पिछले साल भी इजी आया था उससे पिछले साल भी ईजी आया था मतलब राजस्थान जी के सरल आता है राजस्थान जी के में आपको सही करना है चालीस क्वेश्चन ठीक है चालीस तो क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे चालीस गुना तीन करो एक सौ बीस नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको चालीस क्वेश्चन सही करना है पेपर का लेवल आएगा लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस विस्तृत नहीं है आप चाहो तो तीन महीने के अंदर इतना शानदार तीन बार इसका सिलेबस पढ़ सकते हो समझ सकते हो सारी चीज़ों को विस्तृत सिलेबस नहीं है इस वजह से इसमें आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आप डंका लगाओ और चालीस नंबर इस चालीस क्वेश्चन इसके अंदर भी सही करो ठीक है चालीस गुना तीन कर दो एक सौ बीस नंबर आपके सेक्शन नंबर में आने चाहिए उसके बाद हिंदी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी में आपको पैंतीस परसेंट सही करना है क्यों क्योंकि हिंदी आपकी अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं इस वजह से मैंने यहाँ पर पैंतीस नंबर लिखे हैं आप पैंतीस नंबर पैंतीस सॉरी पैंतीस क्वेश्चन लिखे हैं पैंतीस क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आपके एक नंबर बन जाते हैं और इन टोटल इस स्कोर को आप काउंट करोगे तो चालीस हो जाएगा है ना बिल्कुल ये आपका टारगेट होना चाहिए ये आपको कॉपी में लिख लो एक जगह राकेश सर ने हमको ये टारगेट दिया है इस टारगेट के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना इस टारगेट अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है ये टारगेट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो ठीक है अब बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर के जहाँ आपका सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ठीक है ये सेफ स्कोर जो मैंने लिखा है ये पिछले सालों की कट ऑफ के एनालिसिस पर है पिछले तीन सालों का पैटर्न देखें दो हजार और दो ठीक है कट ऑफ बढ़ोतरी हुई है कट ऑफ घटी नहीं है कट ऑफ बड्डी है कट ऑफ घटी नहीं है कट ऑफ बड्डी है ठीक है आप मान सकते हो 2024 में भी कट ऑफ बढ़ेगी घटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर ठीक है तो मैंने इस 2021 से लेकर के जो तेईस तक का पैटर्न है इसको एनालिसिस किया इसके बाद ही आपके लिए शेव स्कोर तैयार किया जनरल के विद्यार्थी ओबीसी के विद्यार्थी एमबीसी के विद्यार्थी यदि आप 420 नंबर लेकर आते हो ऑल राजस्थान में आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है कॉलेज आपको जरूर मिलेगा भले दूर मिले भले नजदीक मिले ई के विद्यार्थी चार सौ पंद्रह तक पहुंच जाते हो तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगा भले कहीं भी मिले ठीक है हंड्रेड परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा एस सी के विद्यार्थियों को चार सौ प्लस का टारगेट रखना है अदर जो कैटेगरीज में आते हैं विडो पी ठीक है डिवोर्स उसके अंदर तीन का टारगेट रखना है टारगेट नहीं है, सेफ स्कोर है सॉरी ठीक है एस सी के चार चार सौ का सेफ स्कोर अदर के लिए तीन सौ पचास का सेफ स्कोर बाकी टारगेट तो मैंने सबको दिया है चार सौ पचास का है ना कहते हैं ना कि जितने बड़े सपने सोचोगे तो छोटे वाले अपने आप पूरे होते जाएंगे है कि नहीं है? आप बड़ा स्कोर सोचो उसके लिए तैयारी करो ये तो आराम से सेफ स्कोर अचीव हो जाएगा हो जाएगा आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये सेफ स्कोर है या आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, है ना बिल्कुल ये बात होगी आपकी क्लियर तो ये आपको याद तक तो पहुँचना ही है इससे नीचे जाते हो यहाँ पर जनरल ओबीसी एमबीसी के आते हैं चार सौ दस चार सौ पाँच के आ जाते हो तो वो रस्सा वाला काम हो जाता है ना खींचताड़ वाला काम हो जाता है होगा हो हो तो कि नहीं होगा फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा तो सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा सेकेंड लिस्ट में नहीं हो तो थर्ड लिस्ट का वेट करोगे तो खींचताड़ के अंदर रह जाओगे आप और कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा ढंग का नहीं मिलेगा दूर मिल सकता है ना बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है इसलिए आपको हो सकता है तो सेफ स्कोर के आसपास आपको पहुंचना है अब बात कर लेते हैं मेरी मार्कशीट को लेकर के ठीक है अब मेरी मार्कशीट को लेकर के बात कर लेते हैं ठीक है तो ये रही आपकी स्क्रीन पर मार्कशीट देख सकते हो आप सभी ठीक है चलो तो यहाँ पर देखो प्यारे साथियों 2022 की ये की देख लो प्री डिलीवरी परीक्षा 2022 अब आप इसको भी फॉलो कर सकते हो ठीक है आप इसको भी फॉलो कर सकते हो मैंने बहुत सारी चीज़ ब्लर करी है ठीक है यहाँ पर प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से चलो उसके बाद में यहाँ पर देखो आपके ये आपके सामने स्क्रीन पर मार्कशीट है चलिए देखो ए सेक्शन था आपके यहाँ पर रीजनिंग का ए सेक्शन आप कर लो रीजनिंग बी सेक्शन कर लो जी सी सेक्शन कर लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड डी सेक्शन में इंग्लिश ई सेक्शन में हिंदी ठीक है तो ये आपके सामने मेरे सारे सेक्शन लिख लिए ठीक है अब रीजनिंग के अंदर देखो 150 में से 102 नंबर जीके के अंदर 150 में से 120 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में 150 में 114 नंबर इंग्लिश में 60 में से 48 नंबर हिंदी में 90 में से 66 नंबर और टोटल छः में से साढ़े चार नंबर परसेंटेज पिचहत्तर परसेंट ठीक है तो ये साम, आपके सामने मेरी मार्कशीट है ठीक है साढ़े चार नंबर अब बता दूँ मुझे मनपसंद कॉलेज मिली थी जो मैंने जो मैंने कॉलेज भरी थी फर्स्ट चॉइस के अंदर वही कॉलेज मिली और मैं अपने गांव के पास से ही बी एच टी सी कर रहा हूं सेकंड ईयर मेरा चल रहा है 2022 के अकॉर्डिंग आप समझो समझौता सेकंड ईयर मेरा भी रन कर रहा है फर्स्ट ईयर इज कंप्लीट चलो आप अभी इस मार्कशीट के अनुसार भी राकेश सर की ये मार्कशीट है इतने नंबर हमको भी लेकर आने हैं इतने नंबर हमको भी लेकर आने हैं ठीक है ठीके? अब देखो हिंदी इंग्लिश के अंदर आप टोटल देख लो हिंदी इंग्लिश के अंदर भी टोटल देख लो आप ठीक है एक सौ चौदह नंबर आ रहे हैं देख लो आप ठीक है हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों में एक सौ चौदह नंबर आ रहे हैं मैंने आपको एक सौ पाँच का टारगेट दिया है ना तो बिल्कुल तो रीजनिंग के अंदर मैंने एक सौ आपको एक सौ पाँच का टारगेट दिया है कि नहीं तो मैंने लगभग लगभग ये जो मार्कशीट है मेरी वाली और मैंने आपको शुरुआत में जो टारगेट दिया है वो मेल खा रही एकदम तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो उसको भी फॉलो कर सकते हो कि नहीं है बाकी आपको अब अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो मैंने आपको टारगेट दे दिया सेफ स्कोर दे दिया अब आपको चाहिए कि तैयारी कैसे करनी राकेश सर आपके कैसे नंबर आए साढ़े चार सौ पचास कैसे तैयारी करी तो इसको लेकर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ठीक है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बता सकते हो बाकी मैं मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो के अंदर तब तक ले पढ़ते रहो मस्त रहो खुश रहो जय हिंद जय भारत